तैयारियों का दौर जो है जारी था और तैयारियां हो गई है कंप्लीट और ये जो है हमारा रेडी हुआ बेल पत्र प्रेगनेंस में आपको एज अ शिवम ही देखने को मिलेगी, जो कि टोटली टोटली पूरा कंप्लीट मसाला नोट है, 100% वर्क करेगा और इसकी क्वालिटी तो भाई लाजवाब है। लेकिन देखा जाए तो काफी अच्छा इसके जो है सुगंध आपको देखने को मिलेगी इस बेल पत्र में, क्या थी और खुशबू क्या था, हमें चाहिए चाहिए मतलब चाहिए। तो ये है बेल पत्र। सो फ्रेंड्स, आज के हमारे इस वीडियो में हमारे शिव भक्तों के लिए है एक नया उपहार और खास दो यूनिक फ्रैग्रेंस के बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे, जिसमें फर्स्ट है हमारा शिवम और सेकंड आपको इस तरफ देखने को मिलेगी बेल पत्र। दो खास फ्रैग्रेंस है जो कि भगवान शिव को काफी ज्यादा पसंद है। जैसे मैं बेल पत्र की बात करूं तो इनका आस्था में बहुत बड़ा जो है नाम ऐसा मैं कहूं, बेलपत्र को देखा जाए तो शिवलिंग में भगवान शिव को अर्पित करने के लिए किया जाता है और इसकी खूबियां काफ़ी सारे हैं, मतलब ऐसा हमारे आयुर्वेद में भी बेलपत्र का काफ़ी जिक्र किया गया है। पत्र क्यों ना, ये जो बेलपत्र है ये फ्रैग्रेंस में भी भगवान शिव को एज अ सुगंध के रूप में भी प्रसन्न किया जाए। तो तैयारियों का दौर जो है जारी था और तैयारियां हो गई है कंप्लीट और ये जो है हमारा रेडी हुआ बेल पत्र, जो कि फ्रैग्रेंस इसकी जो है काफ़ी अलग और यूनिक रहेगी। बाकी जो फ्रैग्रेंस जो है, जैसे कि मैं सपोज फ्लावर नोट की बात करूं या किसी भी तरीके की फैंसी नोट के बारे में बात करूं, तो उससे अलग और यूनिक फ्रैग्रेंस ये हमारा बेल पत्र का आएगा। और दोनों का अभी तो मेरे पास ये फ्रैग्रेंस है और पत्तियाँ भी है, दोनों का बेसिक डिफरेंस हम इस वीडियो में देखेंगे इस फ्रैग्रेंस को लेकर, कि एक्चुअल में जो बेल पत्र की सुगंध होती है वो कैसी आएगी और हमारे जो फ्रैग्रेंस है एज अ बेल पत्र का परफ्यूम जो है उसका फ्रैग्रेंस कैसे आएगा। तो चलते हैं सबसे पहले शिवम, शिवम की मैं बात कर लेता हूँ। शिवम मसाला ऑफ किंग, मतलब मसाला का सबसे बड़ा किंग जो है इस फ्रैग्रेंस में आपको एज अ शिवम ही देखने को मिलेगी, जो कि टोटली टोटली पूरा कंप्लीट मसाला नोट है, मतलब आप इसे 2-in-1 फ्रैग्रेंस मान सकते हैं। सपोज मैं बोलूँ तो किसी भी तरीके का आप ड्राई फ्लोरा फ्लोरा या फिर मसाला गीला वेट अगरबत्तियाँ बना रहे हैं, चाहे किसी भी टाइप्स के धूप हो, गीला धूप हो, ड्राई धूप हो, सूखा धूप हो, उसमें 100% वर्क करेगा और इसकी क्वालिटी तो भाई लाजवाब है। इसके बारे में एक अलग वीडियो हो, शिवम हो गया, इसे हम रखते हैं साइड में। फिलहाल हम बात करते हैं बेलपत्र के बारे में। इसका वीडियोस आपको बहुत जल्दी ऐसा मिल जाएगा, मसाला के काफ़ी सारे और अलग अलग हमारे पास फ्लेवर्स हैं। सपोज लोबान हो गया, गूगल हो गया, धूना बेस फ्रैग्रेंस हो गया, धूना चंदन हो गया, ये सारे हैं, बट थोड़ी सी टाइम की कमी की वजह से इसके वीडियोस नहीं आ पा रहे हैं। बेस हमारा ये शिवम हो गया, कांसी हो गया, रुद्राक्ष हो गया, ये भी आने वाला है, मतलब एक्साइटमेंट पूरी लगी हुई है और पूरा मैं जोरों से लगा हुआ हूं कि वीडियोस बने, जल्दी से जल्दी बने, बट धीरे धीरे चीजें हो जा रही हैं। तो चलो बात करते हैं बेलपत्र के बारे में। सारी चीजें हैं, आपको एक अच्छा सा ग्राफिक्स देखने को मिलेगी, 500 ग्राम की बोतल है। अभी हमारे पास इसमें परफ्यूम की क्वांटिटी थोड़ी कम है, अभी जस्ट हमने सैंपल रिलीज की थी काफी सारे कस्टमर्स को, तो इसी से मैंने जो है कस्टमर्स को सैंपल भेजे थे। ये ओपन है पूरा, लॉक भी हम लोग यहीं से ओपन कर लेते हैं। पहले हम ले लेते हैं एक बीकर जिसमें से परफ्यूम जो है थोड़ा सा ट्रांसफर किया जा सके। तो यहाँ से हम जो है जितना क्वांटिटी हो सके परफ्यूम ले सकते हैं। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी एक और चीज़, इसकी जो फ्रैग्रेंस के एज अ परफ्यूम का जो लिक्विड है, चलो हम पूरा ही डाल लेते हैं क्योंकि एंडिंग था ये, तो जितनी अच्छा ज़्यादा क्वांटिटी रहेगा हमारे लिए और भी अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए, और ये जो है येलो फॉर्म में आपको एज अ लिक्विड इसके देखने को मिलेंगे, कुछ इस तरीके इसके इसके जो फ्रैग्रेंस है ये भी देखने को मिलेगा। फ्रैग्रेंस तो भाई काफ़ी यूनिक है और काफ़ी अलग है। इसके नोट किस तरफ जाएंगे, पत्तियों की तरफ या फिर बेल पत्र के जो फल होते हैं उसके तरफ,
उसके बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि इम्पोर्टेंट तो वही है कि स्मेल किस तरीके से है, पत्तियों का है या फिर फल का। और थोड़ा इसे टाइम देंगे सूखने के लिए, वैसे तुरंत ये चीज़ें सूख जाती हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ पत्तियों के बारे में, पत्तियों का एक्चुअल में फ्रैग्रेंस कैसे आएगा। सबके घरों में लगभग पूजा के लिए बेलपत्र तो होता ही है। आपने क्या कभी इसके फ्रैग्रेंस या फिर इसके पत्तियों का सुगंध को कभी महसूस किया है? नहीं किए हैं तो ज़रूर कीजिए, एक खास इसमें फ्रैग्रेंस देखने को मिलेगी। और मैं चाहूँ तो ये छोटा सा मैं टुकड़ा ले लेता हूँ अभी, तो इसकी फ्रेग्रेंस की मैं अगर बात करूं तो इसमें एक कड़वी स्मेल रहेगी। कड़वी मतलब बेस इसका जो फ्रेग्रेंस है, मतलब इसमें पत्तियों का जो जो खुशबू है, मतलब ऐसा जितने भी पेड़ के या फिर छोटे जो पौधे हैं, फूल के पौधे हैं, उसके पत्तियों को आप ऐसा स्मेल करेंगे तो एक अजीब टाइप का स्मेल आपको देखने को मिलेगा, जो कि फ्लावर से मिलता जुलता नहीं है। लेकिन इसका जो फ्रेग्रेंस है पूरा का पूरा आपको एज अ फल आप देखे होंगे, इसका जो पका हुआ फल है उसी के जैसा इसका टोटल फ्रेग्रेंस है। और साथ में कुछ ऐसी चीज़ें महसूस नहीं हो रही है, मतलब ऐसा पता नहीं लग रहा है कि इसमें किस टाइप के नोट निकलेंगे या फिर खुशबू आएंगी। लेकिन देखा जाए तो काफ़ी अच्छा इसके जो है सुगंध आपको देखने को मिलेगी इस बेल पत्र में। अब दूसरी तरफ चलते हैं हम अपने फ्रैग्रेंस की तरफ। फ्रैग्रेंस आपको क्या ऐसा कितना जो है देखने को मिलेगी, क्या ये इसके पत्तियों से मैच करेंगे या फिर इनके फल से, दोनों तरह की चीज़ें होती हैं, दोनों में अलग अलग जो है खुशबू आपको देखने को मिलेंगी। मतलब पत्तियों का स्मेल है बट वो उतना हाईलाइटेड नहीं है, थोड़ा सा मीडियम रहेगा। और ज़्यादातर इसकी जो खुशबू जो निकल के आ रही है, सुगंध जो निकल के आ रही है, ये आ रही है भाई पूरे के पूरे फल का। फल के साथ साथ ऐसा नहीं कि पूरे बेलपत्र के पत्तियों और फल का ही खुशबू आएगी, उसके साथ साथ एक अच्छा फ्लावर नोट है जो किसी फ्लावर से आपको मैच करते नहीं दिखेगा। साथ में मैं जला भी लेता हूँ तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आस्था का एक महापर्व भी चल रहा है अभी, सावन मास का महीना है। और इस महीने में हम जो है शिव भगवान को और शिवलिंग जी को कैसे बुला सकते हैं, तो उनके लिए ये खास फ्रेग्रेंस होगा। आप भी बिल्कुल इसे ट्राई कीजिए और इसे आप अपने ब्रांड में एज अ जिस तरीके से भी हो, चाहे आप रेडीमेड बेचते हैं या फिर आपका ब्रांडिंग प्रोडक्ट है, तो उसमें भी ज़रूर आप यूज़ करें, आपको एक बेहतर रिजल्ट मिलेगा। और भगवान शिव जी चाहेंगे तो आपके प्रोडक्ट को एज अ बूस्टिंग भी मिलेगी, मतलब एज अ लोग पसंद करेंगे ही। तो चलिए फ्रैग्रेंस की बात करते हैं। बूस्टिंग इसकी काफ़ी अच्छी है, फ्रैग्रेंस तो मुझे नाक में लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सामने मेरे स्टूडियो के सामने फैन चल रहा है तो वहाँ से ये फ्रैग्रेंस फैल चुका है पूरा। और काफ़ी अच्छा नोट देखने को मिलेंगे, जिसे भी आप देंगे वो जो है इसके बारे में बात ज़रूर करेंगे कि भाई वो नोट क्या था, वो फ्रैग्रेंस क्या थी और खुशबू क्या था, हमें चाहिए मतलब चाहिए। तो ये है बेलपत्र, और जितना मैं तारीफ करना चाहूँ थोड़ी कमी होगी। और जब तक आप इसे ट्राई नहीं करेंगे और इसे यूज़ नहीं करेंगे और आप अपने तरीके से इसे अच्छा नहीं मानेंगे, तब तक जो है काम करने में मज़ा नहीं आएगा। तो प्लीज़ अगर आप कोई फ्रैग्रेंस ले अगर आप बेलपत्र नहीं ले रहे हैं तो बहुत बड़ी भूल होगी इस टाइम में, सावन के महीने में। कम से कम अभी इस टाइम आप इसे ट्राई कर सकते हैं। कि इसके किसी भी डिटेल्स के लिए आप हमें कॉल या व्हाट्सअप ज़रूर कीजिए। बहुत ज़बरदस्त और यूनिक फ्रैग्रेंस जो है ये होने वाला है। इसके डाइल्यूशन रेशियो की मैं बात करूँ तो एवरेज ब्लैक या वाइट किसी भी तरीके की स्टिक्स के लिए 4-5 का रेशियो कहीं नहीं गया है आँख मूंद के। तो ये इस फ्रैग्रेंस की पहचान। और इसके किसी भी डिटेल्स के लिए आप हमें कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। मिलते हैं आने वाले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।